मुगले आजम मूवी इसको म्यूजिकल प्ले में कन्वर्ट किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई हैव नथिंग टू से, थैंक यू वेरी मच। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जो जैसी फिल्म है उसका उसको स्टेज पे किया जा रहा है, देखिए तब आप समझ पाएंगे कि क्या किया जा रहा है। मैम आपके किरदार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो माँ है, जैसे सब माएँ होती हैं, और बेटे और पति के बीच फंसी हुई हैं, ये यूनिवर्सल फीलिंग है, इमोशन है बस। मुगले आजम जो प्ले बना है, इट्स अ वेरी नाइस प्ले, यू शुड ऑल कम एंड वॉच इट, एंड इट्स क्वाइट अ गुड अमैल्गमेशन ऑफ सिंगिंग एक्टिंग एंड डांसिंग टुगेदर, और विजुअली इट्स अ ट्रीट टू द आईज, एंड इवन ऑडियो वाइज इट इज़ ट्रीट टू द इयर्स। यू शुड ऑल कम एंड वॉच द प्ले, एंड यस वी आर लविंग इट। माई कैरेक्टर इज़ द वन arrogant, egoistic character who aspires for getting the prince. Saleem chahiye us character ko, but anarkali le jaati hai last mein, matlab starting se hi anarkali le jaati hai, and she is very jealous of anarkali ki mere alawa aur koi kaise us pe haq jata sakta hai, and also it was difficult for me to be jealous, but yes, I have done my best to play the character to the best of my spirits. Yes. Ma'am, what do you like to say? I'm playing Anarkali, so yeah, she's humble, she's innocent, she's very confident, she believes in herself, she believes in her love, and she can even sacrifice for her love. So mujhe bahut maza aaya ye character play karne mein, aur I would like to thank Firoz sir and NCPA and Chapuji Palon ji for making this dream a reality. हमेशा से ये कल्चर चलता आया है कि नाटक से फिल्में बनती हैं, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिल्म से जो है नाटक बन रहा है। ऑफ़ कोर्स द होल प्रोसेस वाज अमेजिंग, बिकॉज यू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्ट डिस्कशन, मीटिंग एक्टर्स, डेवलपिंग द रिलेशनशिप एंड गिविंग लाइफ टू योर कैरेक्टर। फैंटास्टिक, इट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी टू वर्क इन दिस मुगले आजम, एंड आई एम प्लेइंग सलीम। सो एज माई द जोधा मदर सेड कि जो बाप और बेटे के बीच में वो फंसी हुई है, मैं भी ऐसे अपनी फैमिली और अपने प्यार के बीच में फंसा हूँ, एंड आई एम जस्ट डूइंग एवरीथिंग टू गेट माई लव। या अमेजिंग फीलिंग है। मैम बात किया जाए एटमोसफियर, जैसे रिहर्सल के होते हैं तो उसमें कैसा था माहौल रिहर्सल के टाइम पे, फन या इंटेंस? हाँ, जब सर रहते हैं तो बहुत इंटेंस, बाकी समय इट्स अ फन मिक्सचर ऑफ बोथ। जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है वो बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन लविंग पर्सन है, तो वो एक मेंटेन किया गया डेकोरम है जिस उस स्पेस का, जो वो मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब हमारा टाइम है, जब खाने पीने का या बातें करने का, तो हम लोग बहुत बहुत मस्ती और बहुत एक दूसरे के साथ, जो हमारी बॉन्डिंग हुई है उसकी वजह वही है कि हम लंबे समय तक साथ रहे हैं और हमें समय मिला एक दूसरे को जानने का काम करने के अलावा। रीमेक का दौर चल रहा है, तो क्या आपको लगता है अगर वापस से रीमेक बनाया जाए तो जस्टिफाई कर पाएंगे मुगले आजम? नहीं, हमने कोशिश की ही नहीं गई है कि रीमेक बनाया, इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल प्ले। सो या नो नो, ही इज आस्किंग कि अगर इसकी रीमेक फिल्म बनाई जाए, फिर प्ले बनाया गया, फिल्म बनाई, आपको क्या लगता है जस्टिस होगा? मेरा ये कहना कभी नहीं हो सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम वेरी हैप्पी विद अ पार्ट ऑफ द प्ले, नॉट द फिल्म, अदरवाइज बिकॉज इट्स अ क्लासिक, और क्लासिक को ना ही छेड़ो, मुगले आजम फिर बनाई नहीं नहीं जा सकता। जैसे ताजमहल दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ऐसे मुगले आजम दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अगर बनी भी, अगर पॉसिबल हुई तो आपको क्या लगता है कौन कैरेक्टर मतलब जस्टिफाई कर पाएगा? मैं तो सलीम नहीं करूंगा उसमें पक्का, तो बाकी का पता नहीं मुझे। आपके व्यूज क्या लगता है कौन मतलब कर पाएगा रोल? से सुनील से ये रखती हूँ, इत्तेफाक सहमति रखती हूँ कि मुगले आजम को फिर से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और मुगले आजम जिस लेवल पर बना उसको रिक्रिएट करना ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी बहुत सारी लव स्टोरी उसको बनाइए ना, जो चीज़ बहुत अच्छी बन चुकी है उसको क्यों करना है? और भी बहुत सारी कहानियाँ उसको दिखाइए लोगों को, लेकिन अगर बनी तो मैं तो अनारकली प्ले करना चाहूँगी। मैम दिवाली आ रही है, तो व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए आप सब बहुत खुश रहें, खूब खुशियों के साथ दिवाली मनाएं और शांति बनाए रखें देश में, और प्यार के साथ रहे। मुगले आजम का यही मैसेज है कि प्यार की जीत हर जगह होती है। एक बार हो जाए,
अच्छा रहेगा पूरे फ्रेम में. क्या दिवाली विश? मोहब्बत जिंदाबाद. थैंक यू. मुगले आज़म जो आपने 60 साल पहले देखा था उसको रिक्रिएट करने की हमने कोशिश की है और हमारी इस कोशिश को अपना ऑडियंस जो है सराह रही है. उस उनकी सराहना से हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एक जो कोशिश थी वो कामयाब हुई और लोगों तक पहुंची और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया. लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे यही हमारे लिए बड़ा चैलेंज था. उन्होंने एक्सेप्ट के लिए तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात. आपके किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें अकबर का रोल कर रहा हूँ जो किसी ज़माने में पृथ्वीराज कपूर साहब ने किया था. तो मेरे कंधों पे बहुत भारी वज़न था और कोशिश की कि थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ उसमें. और जिस तरह से उनके अपने ग्रैंडसन्स ने भी देखा है, ऋषि साहब ने, रणधीर साहब ने, सबको अच्छा लगा. तो मुझे लगता है कि हम जो कोशिश कर रहे थे, जो हमने छोटा सा कदम लिया था इसको रिक्रिएट करने का, उसमें शायद हम कामयाब रहे हैं. देखिए जब स्टेज पे आया तभी लोगों को ये लग रहा था कि ये कैसे रिक्रिएट हो सकता है. तो मुझे लगता है जब स्टेज पे हो गया तो शायद सिनेमा में भी हो सकता है, क्योंकि सिनेमा में तो और भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं और उसको एक्सप्लोर करने के और बहुत सारे मीडियम हैं. स्टेज में तो एक बार आपने फिक्स कर दिया, फिक्स है तो पॉसिबिलिटी है कोई, लेकिन उसमें हाथ डालने की हिम्मत चाहिए किसी में. मुगले आज़म है ये, कोई छोटी मोटी चीज़ तो. आपको क्या लगता है कौन मतलब जस्टिफाई कर पाएंगे अकबर का रोल और सब दूसरा? ये तो ये मेरा हिसाब इसमें मायने नहीं रखता. इसमें तो डायरेक्टर के ऊपर ही है, कौन डायरेक्टर है, कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है, कौन बनाने जा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं. रिहर्सल के टाइम के दौरान मतलब हॉल में कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसा हंसी मजाक या इंटेंस एकदम? नहीं, इंटेंस भी नहीं था, लेकिन ऐसे हंसी मजाक भी नहीं था. काम के वक्त काम करते थे, हंसी मजाक के वक्त हंसी मजाक करते थे. तो लेकिन दोनों चीज़ें मिक्स कभी नहीं हुई कि काम के वक्त हम हंसी मजाक कर रहे हैं और हंसी मजाक के वक्त काम कर रहे हैं. काम के वक्त पूरी जोश, एनर्जी और संजीदगी से काम था और जब मस्ती थी फिर पूरी मस्ती थी. सब फिरोज सर के साथ काम करी कैसा? मेरी खुशकिस्मती है कि फिरोज साहब के साथ काम कर पाया हूँ. इतने सिंसियर, इतने संजीदा और इतनी सादगी से अपनी ये बात को कह देते हैं, बहुत बड़ी बात है. और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस रोल, इतने बड़े रोल के लिए, मुगले आज़म प्ले का नाम है और आई एम प्लेइंग मुगले आज़म, तो मैं इस मौके के लिए आपके ज़रिए फिरोज़ अब्बास खान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ. नहीं, हम तो अभी बहुत एक्साइटेड हैं कि जहाँ से हमने ये शुरुआत की है तो ये सफ़र दिल्ली जाए और बहुत सारी जगह पे जाए. हमने इतनी मेहनत की है और सब पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है और इतना एक कोशिश की है इस मास्टरपीस को, मास्टरपीस बनाने की. तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे हमारी मेहनत, हमारी कोशिश. और दिल्ली में तो ज़रूर जाना चाहिए, बाकी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जाना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जाना चाहिए. जैसे कि कई बड़े बड़े अपने एक्टर्स ने भी कहा है, तो ज़रूर जाना चाहिए दिल्ली में ताकि लोगों को पता चले कि थिएटर में ये पॉसिबिलिटी भी है. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, खुश रहिए, आबाद रहिए. मेरा